नाजरीन आज हम मौजूद हैं सलून में, यहाँ पे बांग्लादेश में बोरपा है, यहाँ पे हम आए शेव करवाने के लिए। क्या क्या रेट है यहाँ के और कैसे शेव होती है, ये हमारे हेयर को जो है ना चूल कहते हैं और दाढ़ी कटिंग को दाढ़ी कटिंग कहते हैं, क्या क्या रेट्स हैं यहाँ पे और ये कैसे शेव करते हैं कटिंग करते हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा और साथ मेरे साथ साथ लेकर। थैंक यू। ये सिस्टम होता है इनका जो है ना शेव करने का, ये सामने सिंक लगे होते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी ये थोड़ा, क्योंकि चेहरा जो है ना वो क्रीम वगैरह लगाने के बाद इसको वॉश करते हैं तो इसलिए जो है ना ये सामने सिंक लगे होते हैं। ये चेयर्स हैं, बाकी सिस्टम वो स्टीम भी है तो इसलिए जो है ना ये सारा सिस्टम है। मालिक होता है ना ऑनर, इसको माजन बोलते हैं। ये सैलून का माजन है, माजन हम जैसे वो बोलते हैं ना कि नायक नायक, ये माजन बोलते हैं। ये जो है ना ये बार बार को नापिद बोलते हैं, नापिद, ये सीनियर नापिद है। जैसे हम नाई बोलते हैं ये नापिद बोलते हैं। हिंदी आती है, उर्दू आती है? अच्छा, तो क्या यहाँ पे अगर क्या रेट्स लेते हैं, क्या पैसे लेते हैं अगर बंदे कोई बंगाली के लिए ला गया या बाहर वाले बंदे के लिए ला गया, या सेम है? ज्यादा फर्क नहीं, ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा फर्क लेते हैं। वो क्यों लेते हैं? अच्छा, काम ज्यादा करते हैं जो बाहर से बंदा होता है उसका काम ज्यादा करते हैं, जो पैसे कम देता है उसके पैसे उसका काम भी कम होता है। ऐसा नहीं है भाई। अच्छा, नहीं काम सही होता है लेकिन टाइम थोड़ा टाइम का मसला होता है। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो आप लोग अगर आप पाकिस्तान में या किसी और मुल्क में काम करने का आपको कोई ऑफर करे बैरून मुल्क जैसे दुबई है तो क्या आप जाएंगे वहाँ पे? ये अब शेव जो है ये होने लगी है, ये सबसे पहले जो है ना ये मैंने हाथ करवाना है इसलिए ये क्या नाम है करेंगे। जब भी आएंगे आपने रेट पूछ के बैठे हैं क्योंकि कई लोग को होते हैं वो शरीफ होते हैं वो मुनासिब रेट पैसे लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो जब भी देखते हैं कि ये पार्टनर है तो उससे वो डबल रेट मांगते हैं, इसलिए रेट पहले पूछ के फिर बैठे हैं। यहाँ का जो इस एरिए में रेट है मैक्सिमम जो है ना वो 150 है शेव करवाने का। ये वैसे भी एसी पार्लर है तो यहाँ पे जो है ना वो 150 लेते हैं। हम आज निकले हुए क्योंकि कल हमारा ऑफ डे है तो ये शेव वगैरह करवाएंगे और कल जो है ना वो घूमने फिरने के लिए जाएंगे। तकरीबन शेव मुकम्मल हो चुकी है और इसने अभी ये फिशल करना है। ये फिशल शेव हाथ हाथ तकरीबन 150 में हो जाएगा, तो काफ़ी टाइम लगाते हैं ये चेहरा बिल्कुल जो है ना।
शेव हो चुकी है तकरीबन, हम कंप्लीट है। बड़ा टाइम लगाते हैं, बड़ी मेहनत से ये शेव करते हैं और इतने मुनासिब पैसे, ज़्यादा पैसे भी नहीं है। तो ये मेरा बार्बर है जिसने मेरी शेव की है, तो मैं आपको दिखाया है, विजिट करवाया है ये इसमें। तो भाई आपको उर्दू आती है, हिंदी आती है? हिंदी बुझे इसे मैंने पूछा है कि हिंदी आती है, कहता हिंदी नहीं आती। 150 लगा तकरीबन पाकिस्तानी जो है ना, ये 300-400 रुपए में ये शेव हुई है। ये मैं आप इसको 150 टका देने लगा हूँ। आपने आने से पहले हर बंदे जब भी अगर शेव कराने आनी है बांग्लादेश में तो पूछ के बैठना है कि कितना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा पैसे मांग लेते हैं, तो इसलिए आने से पहले पूछ लेना कि सलून ने रात तक यहाँ पर ज़्यादातर जो है ना, ये हिंदू कम्युनिटी जो है ना वो ज़्यादातर बार्बर की शॉप चलाती हैं, तो बाकी मुस्लिम भी हैं लेकिन हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है। तो हमने शेव करवाई और आपको बताया कि बांग्लादेश में कितने, हमने ये 100%, ये 50%, तो ये 150%, बाकी बचा है 500 में से तकरीबन, ये तकरीबन 12-13-10 और तकरीबन 1250 रुपये पाकिस्तानी था, तो ये तकरीबन 300% बाकी बचा है। तो मुनासिब पैसे ही होते हैं क्योंकि यहाँ पे